नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ीनोक्री चैनल पे। फ्रेंड टारगेट 4 जनवरी, फ्रेंड यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 4 जनवरी को होनी है। फ्रेंड उसके लिए हम सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि अति संभावित प्रश्न है जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम को देखते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए, मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से किस में प्रत्यय का चयन करना है आपको, इसमें किस में पत्ते लगा हुआ है। ठीक है, इकेरा, आजन, परामर्श या खुशबू। तो इसका जो सही आंसर है वो है इकेरा। ठीक है, बाकी 3 में उपसर्ग है, जो इकेरा है उसमें आपका प्रत्यय हुआ है। फ्रेंड प्रत्यय हमेशा शब्दांश के पीछे लगता है, ठीक है, शब्द के पीछे लगता है हमेशा, याद रखिएगा। तो इकेरा में आपको जो हरा है ना, हरा प्रत्यय हुआ है, जैसे दोहरा हो गया, तेहरा हो गया, इकेरा हो गया, तो इसमें हरा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, बाकी सब में उपसर्ग है, आजन में आए, परामर्श में परा है, खुशबू में खुशबू है। तो फ्रेंड्स ये उपसर्ग है, ठीक है, इकेरा में केवल पत्ते हैं। अगला देखते हैं। तो फ्रेंड कौन सा शब्द विदेशाज है, इनकी फॉरेनर है या विदेशी शब्द है जो कि बाहर से लिया गया है। औरत, आग, खेत, पगड़ी। तो इसका जो सही आंसर है औरत विदेशाज शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लिए। फ्रेंड इनमें से अव्ययीभाव समास का उदाहरण चुनिए। तो अव्ययीभाव का उदाहरण चुनना है रक्त पुष्प, गंगाजल, सीताराम, निसंदेह। तो इसमें क्या हो सकता है फ्रेंड, तो इसका जो सही आंसर है वो है निसंदेह। निसंदेह में अव्ययीभाव समास है। फ्रेंड जिसका पहला पद जो हो ना, पहला पद प्रधान हो, तो उसे ही हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं फ्रेंड। छात्रा, गया, ये इसमें ये किस वर्ग में आते हैं, आपने पढ़े होंगे। तो इसका जो सही आंसर है ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ठीक है, 4 होते हैं वैसे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगला देख लेते हैं फ्रेंड। ई और बड़ी ई किस प्रकार के बने, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। कंठ है, दंत है, दंतोष्ट है, तालक है, तो कौन है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है तालक के व्यंजन है, ई और ई, याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। जहाँ विरोध ना होते भी विरोध का आभास किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। फ्रेंड आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, श्लेष या यमक। तो इसका जो सही आंसर है वो है विरोधाभास। जहाँ विरोध का आभास किया, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन आया हुआ है छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो क्या नाम है, राजनीति शास्त्र, रसायन शास्त्र, पिंगल शास्त्र या दर्शन शास्त्र। तो इसका जो सही आंसर है सी, पिंगल शास्त्र। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा, पूछ सकता है 4 जनवरी के एग्जाम में। अगला देख लेते हैं फ्रेंड। पाड़िनी ने यारा लावा, जो कि अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है, यारा लावा को संक्षेप में क्या कहा गया है। तो यालावा, यारा लावा, गढ़ या यण, तो क्या क्या है? इसका जो सही आंसर है वो यण कहा गया है। पाड़िनी ने जो अंतस व्यंजन है उनको यण कहा है, ठीक है, याद रखिएगा संक्षेप में, तो ये पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड। श्रृंगार रस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है फ्रेंड, इसका है रति, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अति उत्तम जिससे बना है अति उत्तम में निहित संधि बताइए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, तो घोड़स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि या अयाधि स्वर संधि। तो इसमें कौन होगा, अति प्लस उत्तम, यानी कि ई प्लस ऊ आ रहा है, ठीक है, तो ई प्लस ऊ किसमें आता है फ्रेंड, वो आता है यण स्वर संधि में, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सी। अगला देख लेते हैं फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। जो मांस खाता हो या जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द चुनना है, तो क्या चुनेंगे, निरामिष, सामिष, सर्वभक्षी या हिंसाचारी। इसका जो सही आंसर है वो है सामिष। सामिष को कहते हैं जो मांस खाता है, उसे हम सामिष से डिनोट करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं फ्रेंड। पा वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है, पा वर्ग जैसे पा पा बा ये जो आते हैं, तो इसमें लास्ट जो व्यंजन आता है वो कौन सा आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो मा आता है, ठीक है, ये आपको रट के ले जाने हैं, पा वर्ग में, चा वर्ग में, ठीक है, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, ये आपको रट के ले जाने हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हर बार ही एग्जाम में आते हैं। अगला देख लेते हैं फ्रेंड। क्रिया विशेषण चुनने को बता रहा है, तो क्रिया विशेषण क्या होगी इसमें, तो गोलाकार, विद्युतता पूर्वक, दूना या निर्दय। तो इसमें क्रिया विशेषण आपको चुनने को दिए, तो इसका जो सही आंसर है वो दूना, ठीक है, ये क्रिया विशेषण है। अगला देखते हैं सामसिक पद, भेड़ बकरी में कौन सा, सॉरी
समास प्रयुक्त हुआ है, समास लिख के आए, तो तत्पुरुष अव्यविवाह द्वंद समास या कर्मधार रहे, तो इसका जो सही आंसर है वो है द्वंद दशा, भेड़ बकरी, ठीक है, बीच में योजक चिन्ह है तो उसको द्वंद समाप कहेंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ भेड़ और भेड़ लिखी होती तो इसका जो आंसर होता वो अव्यविवाह आ जाता। क्यों आ जाता? अगर एक ही शब्द योजक चिन्ह के साथ दो बार लिखा हो तो वहाँ अव्यविवाह होता है, ठीक है। अगर अलग अलग लिखे हों भेड़ बकरी तो वो द्वंद समाज में आ जाता है, याद रखिए। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन शब्द आ उपसर्ग से निर्मित नहीं है, तो कौन नहीं है फ्रेंड्स? आ से, तो इसका जो सही आंसर है वो है अवज्ञा, ठीक है। अवज्ञा में फ्रेंड छोटा आ रहा है और यहाँ बड़ा आ उपसर्ग के लिए बोला गया है, तो निर्मित नहीं है तो अवज्ञा है। बाकी तीनों आ से उपसर्ग से आते हैं, आजन्म आमरण आगमन, ये तीनों में आ उपसर्ग आ रहे हैं लेकिन अवज्ञा में नहीं आ रहा, ठीक है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, सपेरा में कौन सा प्रत्यय मूल रूप से मिलेगा इन चार ऑप्शन में, तो सपेरा में प्रत्यय ढूंढना है, जो कि मैंने बताया उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दांश के आगे लगते हैं या आदि में लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं या शब्दांश के पीछे लगते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है सपेरा एरा, यानी कि एरा आ रहा है तो इसका जो ए सही है सपेरा में, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से भाववाचक संख्या आपको चुननी है, तो भाववाचक संख्या कहने क्या होती है जिसमें कोई भाव आता है, क्या आता है भाव, तो भाव किस में आ रहा है फ्रेंड? अगर मैं बात करूँ भारतवर्ष, ठीक है, तो भारतवर्ष में कोई भाव नहीं आ रहा, ये तो एक नाम हो गया, संज्ञा सी हो गई, ठीक है। तो जैसे मैं कोई सेंटेंस बनाऊँ, जैसे भारतवर्ष में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ रामायण पढ़ी ना सुनी जाती हो, तो भारतवर्ष एक तरह की संज्ञा हो गई, तो ये भाववाचक नहीं आ सकता, कोई भाव नहीं निकल के आ रहा। हिमालय की बात करूँ तो हिमालय भी संज्ञा है लेकिन भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। रेगिस्तान भी भाववाचक नहीं है, तो फ्रेंड ऐसे आप एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हैं। तो इसका जो है एकता, अनेकता में एकता, तो एकता क्या है, एक भाववाचक है, ठीक है, लोगों में एकता है, तो एकता क्या है, एक भाववाचक हो गया, भाव आ रहा है एकता का, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है एकता, भाववाचक, ठीक है, याद रखिए। अगला देख लेते हैं, देशज चुनना है, कर्म परिवार गड़बड़ किशन, आप तो चुन सकते हैं देशज क्या है, तो देशज जो है वो गड़बड़, ठीक है, जो देशी भाषा जो देश से निकले हों, ठीक है, जो ग्रामीण भाषा हों, ज़्यादातर देशज उन्होंने इन्हीं को ही माना जाता है गड़बड़, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं फ्रेंड, सार्थक शब्द या शब्द सार्थक तभी कभी ये जाएंगे जब उनका निश्चित अर्थ हो, वे बोलने में सरल हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हों या वे भाषा में प्रयोग किए गए हों, तो क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है उनका निश्चित अर्थ हो, जो अर्थ होता है उनका निश्चित हो, उन्हें ही शब्द को तार सार्थक तभी कहेंगे, ठीक है, ये आंसर सही है। शब्द जब सार्थक कहते हैं जब उनका निश्चित अर्थ निकलता हो या हो, ठीक है। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, ऋज्जु का विलोम शब्द पूछा है या हर बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वक्र, आपको पता भी होगा क्योंकि हर बार एग्जाम में आया है, ऋज्जु का वर्क होता है विलोम, ठीक है, उल्टा, ठीक है। फ्रेंड ये थी हमारी सामान्य हिंदी पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको कैसी लगी वीडियो फ्रेंड? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँगा, थैंक यू वेरी मच।